दोनों चाय पी पी के फिर छोटा भाई आ जाएगा। आकाश मेरे निप्पल्स से बहुत ऑब्सेस्ड है। अब गाइस आपको पता है मैं डेरी मिल्क नहीं खाता, डार्क चॉकलेट खाता हूं। खजूर स्पर्म के लिए अच्छा होता है। हाँ भैया भी मान लो, ये कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत कम वर्कशॉप करता हूँ, बट इस बार करने जा रहा हूँ वो भी मुंबई जैसी सिटी में। मस्त परफॉर्म किया प्रिंस भाई, गौतम भाई की फाइट आप लोगों ने देखी होगी, आपकी भी तो देखी जोगिंदर के साथ। What's up guys, welcome back to the channel and in another vlog. So, ये vlog की जो शुरुआत है वो हो रही है मेगा के साथ, जो कि मेरे लिए बना रही है आलू का पराठा, जो इससे बन नहीं रहा है बिल्कुल भी। सेक्सी आलू का पराठा, क्या बात है। ये जो छेद बनाया ना तूने बिल्कुल भी, बिना फटा हुआ तो सब खाते, ये फटा हुआ खाएगा। मेगा जब तक तेरी शादी होगी तब तक तो तू सीख ही जाएगी, है ना, प्रॉपर। सही बात है, आई हाई सोच लिया है, मतलब है कोई पसंद वसंद आ रहा है कि नहीं लड़का वड़का बता, क्योंकि लोग मुझसे अपडेट मांगते हैं। अब पता है क्या, मेरे जितने भी व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है ना, वो मेरे अपडेट से ज्यादा मेगा का अपडेट मांगते हैं कि क्या चल रहा है, ऐसा ऐसा क्या तो, चल रहा है यस क्या चल रहा है ये बताओ। कुछ नहीं चल रहा, किसी से बात नहीं करती, किसी से नहीं बात करती, मन तो करता होगा नहीं, भाव नहीं देता कोई। मजाक कर, ओए लुक वैसा वाला था कि मैं नहीं देती भाव लड़कों को, वैसा वैसा भी नहीं, मतलब बात नहीं होती मेरे किसी। मेगा का ना बिना व्लॉग डाले भी इसके सब्सक्राइबर्स देखो कैसे धड़ाधड़ बढ़ रहे, कितने अभी तक एक ही रील डाला जो कि मेगा को मम्मी ने फोर्स किया था और उसमें भी 24,000 व्यूज, 24 लेजिट, और कितने सब्सक्राइबर्स, ओए ओए 4,600 मेगा। अब तो तेरा मोनेटाइज भी ओपन हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ये होता है कि दैट कि आप 4,000 और कितने तो व्यूज वॉच आवर्स जो होते हैं ना वो कंप्लीट करो तो आपके मोनेटाइजेशन YouTube monetization जो है ऑन कर देता है जिससे पैसे आते हैं। तो मेगा तो अब तो डालने लग गया, अब तो मम्मी का सपना भी पूरा हो रहा है। दोपहर के 3:30 हो रहे और मैं अभी पराठा खा रहा हूँ, नाश्ता टाइप कर रहा हूँ क्योंकि भूख लग रही है बहुत जोर की, अभी कुछ है भी नहीं तो मेगा मेरे लिए पराठा बना रही है तो ये खा के फिर देने उसके बाद मैं निकलूंगा डायरेक्ट रिहर्सल के लिए। मेरे झलक का रिहर्सल, और मेरे को बहुत सारे पूछ रहे हैं कि दैट आर्टिस्ट कौन है, नहीं बता सकता गाइस, मेरे को जेन्युइनली मन है बताऊं बट नहीं बता सकता क्योंकि मना किया गया है। तो मेगा ने मेरे लिए इतनी मेहनत से आलू का पराठा बना दिया विच इज वेरी गुड, सच में खाना तो अच्छा बनाती है, बस वो ये कि बनाना नहीं आता इसे थोड़ा सा ना, वो कैसे फटा हुआ बना रही थी, फर्स्ट ही बना फटा हुआ, फर्स्ट बना, दूसरा तीसरा, ये तीसरा है मेरा। बाकी मैंने बोला था मेगा ने इतना वो बनाया मेहनत से, पसीना पसीना हो गई, मैंने मम्मी को बोला बेचारी इतनी पसीना पसीना हो गई, मैं भी ब्लॉग करते करते गर्मी में पसीना पसीना हो जाता हूँ, मैंने ना एसी वाला घर लेते हैं, कहती कूलर है दूसरे रूम में, चुपचाप बैठ जा वहां पर। सही तो बोला मैंने, कूलर लगा वहाँ पे, ये नहीं कि बेटा आने वाले टाइम पे लेंगे, ऐसा नहीं, ये नहीं, सीधा कूलर है उधर बैठ जा। तो अभी के लिए देखो, अभी एसी सही है तो अभी कहाँ से धूप में, तो मैंने सही तो बोला उधर, मैं आपको बता रहा था कि मम्मी अभी तो गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, अभी घर ले लेते है कि नहीं मेगा। सही बात है, सही बात, वही तो मैं बोल रहा था, बट चाहिए भी सबको अपना अपना रूम है, ये चाहिए भी अपना अपना रूम, चलती मम्मी ये रूम जब आप लेंगे ना सबका अलग अलग रूम होगा। मेरे को बालकनी वाला चाहिए, बालकनी वाला मेगा का रूम हो गया, मेरा रूम हो गया, मम्मी पापा का अलग चिल वाला रूम हो गया। पिछले ब्लॉग में इतना समझा फिर बोल रहा है उल्टा सीधा, उल्टा सीधा, अरे मम्मी चिल, मम्मी का दिमाग ही वैसी है, हमने तो चिल बोला, मतलब दोनों चाय पी लेंगे, दोनों चाय पी पी के फिर छोटा भाई आ जाएगा। बहुत ज्यादा गंदा हो रहा हूँ। चलो जी, फाइनली हम निकल चुके अपने रिहर्सल की तरफ। पिछले वाले व्लॉग में भाई कमेंट आए थे दैट कि आकाश मम्मी ने बोला था दैट कि गाली वाली नहीं देना वैसा ऐसा, तो मैंने ऑब्वियसली मम्मी की बात मानी कि मैंने अल्लाह नहीं दूंगा, मतलब वो तो कहना आदत है ना, वो निकल जाती है लड़कों में, तो वही मैं बोल रहा था कि वो मैं कोशिश करूंगा। तो मेरे को कमेंट आया दैट कि नहीं करना चाहिए, मम्मी की बात सुनो, तो मैंने भी जवाब दिया अच्छे से कि दैट यार डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग मुझे प्यार करते हो ना तो आपका कमेंट मैं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ता, तो उसमें लिखा हुआ था दैट कि आकाश ऐसा मम्मी की बात सुनो करके, तो मैंने उनको यही रिप्लाई दिया दैट कि आई नो यू आर डेफिनेटली राइट, बट वो हो जाता है ना थोड़ा सा निकल जाता है गलती से, तो वो मैंने बोला कि दैट वो चीज़ मैं याद रखूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आप लोग ही हो जो हमको सपोर्ट करने वाले, जितने भी यूट्यूबर होते हैं वो आपके बिना कुछ भी नहीं है, आप लोग के हुक्म सर आंखों पर याद रखूंगा, है ना। बाकी अभी निकलते हैं रिहर्सल के लिए। गाइस रिहर्सल की तरफ जा रहा था और रास्ते में देखो यहाँ पर कोई तो शॉप इतनी खतरनाक तरीके से जल गया, बच्चे भी जल गए, नहीं नहीं सॉरी, हाय बच्चों, हेलो कर दो कैमरे में, ये क्या हो गया, आग लग गई है उधर, आग लग गई उधर लकड़ी में, ये कैमरे में हाय कर दो ऐसे, हाय बोला तो हे ओ कर रहा है। तो गाइस रिहर्सल हो गया कंप्लीट, ओ भाई साहब कैसा गूंज रहा है रे,
हाँ तो मैं ये बोला था दैट कि रिहर्सल हो गया है कंप्लीट, अभी मैं यहाँ पर आया हूँ अपना पर्सनल कंटेंट बनाने के लिए। लुक एट दिस, अभी तो ये कपड़ा जो मैंने पहना है ये रिहर्सल का है, अभी मैं पहनूंगा जो मैं अपने बैग में लाया हूँ क्योंकि मुझे आज शूट करना था जैसे भी तैसे करके, क्योंकि मैंने 3 दिन से लेजिट रील नहीं डाला, तो इंस्टाग्राम की जो पब्लिक है वो भी मतलब चाहती है कि दैट डाले, तो डेफिनेटली मेरे को दोनों तरफ का होना पड़ेगा, यूट्यूब का भी, और क्योंकि मैं यूट्यूब में कंसिस्ट तो हूँ बट यूट्यूब के चक्कर में मैं इंस्टाग्राम को भूल चुका हूँ जो कि मुझे नहीं भूलना चाहिए। तो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, एक और बार प्लीज़ वही एक बार पूरा प्रैक्टिकली करके दिखा गाइस, इसने इतनी मोटिवेशनल बात की ना, मज़ा आ गया बिल्कुल, दिखाइए जरा एक बार ना भाई प्लीज़। बोल रहा था कि मेरी बॉडी ऋतिक रोशन जैसी लगती है। तेरा नाम ऋतिक दिवाकर है तो इसका मतलब नहीं ऋतिक रोशन, और क्या कर रहा था वो दिखा, ऋतिक रोशन जैसी बॉडी, देखो देखो कसम से ऐसा लग रहा है प्रेग्नेंट हुए हुए 2 महीने हो गए। एक फोटो ले लेते हैं, ये देखो गाइस क्या फ्रेम है। आकाश मेरे निप्पल से बहुत ऑब्सेस्ड है। अब गाइस आपको पता है मैं डेरी मिल्क नहीं खाता, डार्क चॉकलेट खाता हूं। जी यार कसम से लोग इतने ज्यादा गलत समझ रहे होंगे ना, 3 लड़कों की दोस्ती को कुछ और समझ रहे होंगे, मेरे को पता है। बिकॉज मुंबई वाले जितने भी लोग हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि दैट वर्कशॉप के लिए मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे, नॉट ओनली मुंबई में करो हर जगह। वैसे भी यूजली मैं इतना ज्यादा वर्कशॉप करता नहीं, तो मैंने सोचा कि दैट मैं और योगेश हम दोनों वर्कशॉप करने वाले हैं। मुंबई से जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो देखो 21 मत करना भाई, 21 को योगेश का वर्कशॉप है, 22 को मेरा वर्कशॉप है, सो ये 2 दिन प्लीज अपनी खाली रखना हमारे वर्कशॉप के लिए। बाकी डिटेल्स मैं ना पता क्या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिंदास आओ मजे करेंगे भाई, डांस तो करेंगे करेंगे, मजे भी होंगे। सो गाइस हमने ना मंगाया है ये मलाई पाव, और ये इन्होंने बोला है भैया ने कि दैट मलाई पाव सिर्फ एक ही मिलेगा, तो भाई मतलब इन लोग इतने अच्छे हैं ना मेरे दोस्त लोग, इन्होंने बोला कि आकाश तू खा ले। अभी जस्ट उंगली से मलाई चाट रहा था फुल, यहाँ पर देखो ये जो ऊपर अटैक किया है ना, ये मलाई खाया है इसने, मजाक कर रखा। 3 पीस दिए भाई ने भी, बीच वाला मैं खाऊंगा। हैप्पी बर्थडे कर लेते हैं ना। हाँ ना, अरे हैप्पी बर्थडे ऑलरेडी है, देखना सिर्फ पीस लेना है, केक काट के बीच वाला मैं लूंगा बड़ा वाला। देख कितना हाइजीनिक बनता है, देखो हाइजीनिक बनता है, देखो मैं हाइजीनिक नहीं बनता। ये वो है मिट्टी से खेलने के बाद दाल भात खाने का। अरे डिटोल है कहां पर मेरी, मैं नहीं खा रहा। तू नहीं खा रहा, ला दे यहां दे। मलाई पाव ये सिर्फ मुंबई में मिलता है? बनाने के दोनों में से किसी को एक ना बोल रहा, एक ना बोल रहा। नहीं नहीं ये तो रोज यहीं रहता है, यहीं का ही है, 6-10 साल हो गए इसे, तो इसके 4-5 प्लेटें यहां कहां खाया तूने दूसरा? कहीं भी मिल जाएगा, मलाई और पाव है बस, और क्या है? कानपुर में मिलते हैं? कहां नहीं बन सकता, कानपुर में कहां का मिलते बता सही तुम्हें, मेरी कसम सर पे हाथ रख के खा, कौन सी दुकान है? अगर कोई कानपुर से तो उसको बता रहा हूँ, पराग दूध डेयरी के पास आना है तुम लोगों को, गल्ला मंडी, ठीक है? वहाँ तो मिल जाएगा, मतलब पूरा नाम एकदम डायरेक्ट बोल रहा था भाई, है वहाँ तो मिलता है। मेरे को लगा मुंबई में, क्योंकि मैंने देहरादून में नहीं खाया। मिलता नहीं है पर वो है कि बन जाएगा घर पे, ऐसा इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है। देख यहाँ से ले गया, देख यार तू भी ना जल्दी खा। क्या खजूर कंजी का? खजूर कंजी, अरे कंजी खजूर कंजी नहीं, बिंजी बिंजी नहीं है, कंजी नहीं, बिंजी बिंजी नहीं है, खजूर अंजीर, खजूर अंजीर है। हाँ इस क्या होता है, खजूर की दूध से बना होता है, तुम के लिए पावरफुल बीवी के लिए अच्छा होता है। नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं ब्लॉग में लोग बोलने लगे कुछ भी बोलते हैं ब्लॉग में, स्पम ही बोलते हैं ना वीर्य को, स्पम कोई ऐसे गलत बात नहीं है, खजूर स्पम के लिए अच्छा होता है। हाँ भैया भी मान रहे, ये कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये इंडिया कितनी बार पीते हो आप, कितनी बार पीते हो भैया? ज्यादा नहीं, दिन में 10 बार। इंडिया में ऐसा हो गया भाई, बहुत शांत शांत वाला ऐसा इजी है सर, ओके बॉयज। सो प्लान ये है, खाना पीने के बाद डायरेक्ट हम आ गए यहाँ पर। लुक हु इज हियर, सचिन भाई, पीछे तो मेरे दोस्त लोग। भाई कैसे हो? भाई गुस्से में मेरे से, क्योंकि मैं इनकी सीट पे बैठी हूँ। तो अभी प्लान ये है दैट, नहीं पहले मैं बता देता हूँ, सचिन भाई को तो जानते हैं, उनको तो क्या इंट्रोड्यूस कराऊँ, फैन है मेरे तो। मैं ही बोल रहा था, मजाक कर रहा हूँ भाई, बोलो फैन ही हूँ असली में, ऐसा बोलो फैन आकाश मेरा फैन। मैं भी भाई का फैन हूँ, भाई को रोडीज में देखा होगा आप लोगों ने, सेमीफिनाल में आउट हो गए, शिट फाइनल्स तक जाने चाहिए थे, कोई नहीं बट स्टिल अभी तो ये स्टार्टिंग है। साथ-साथ बेइज्जती करता बट भाई ये बताओ तुम, बढ़िया था मतलब एक्सपीरियंस कैसा था आपका? एक्सपीरियंस आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। हां भाई बता भी रहे थे कि रोडीज का पूरा सीजन में सबसे ज्यादा टीआरपी वाली थी, बिकॉज ऑफ यू? नहीं नहीं यार, दैट्स वन थिंग, बट ओवरऑल सीजन बहुत अच्छा था, सारे कंटेस्टेंट ने मस्त परफॉर्म किया। प्रिंस भाई, गौतम भाई की फाइट आप लोगों ने देखी होगी, आपकी भी तो देखी जोगिंदर के साथ। वो भी तो बताओ, वो तो सबसे वो तो हिट थी, वो सुपर डुपर हिट थी बेसिकली, बट फिर वही है कि ना फाइट भी थी जोगिंदर से, बताओ। बट चलो कोई नहीं, थंबनेल भी तो मिल गया। यस
तो वही मैं बोल रहा था, दैट प्लान ये है कि दैट हम एकदम बोलते ना बिना इनवाइट किए हुए पार्टी में जा रहे मैं और ऋतिक ना भाई चुप क्यों है अनइनवाइटेड गेस्ट मेरे अंदर इतना घमंड है कि बिना इनवाइट किए भी जा रहा हूँ तो भी बोल रहा हूँ बट कोई नहीं भाई लेके जा रहे भाई क्या बर्थडे पार्टी है बर्थडे पार्टी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है और मजा आएगा तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यार फालतू कौन दो लोग आ गए ऐसा नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल योगेश बेसिकली योगेश को बुलाया था तो योगेश ने बोला कि चल लो करके उसने भी नहीं बोला नहीं। हमने बोला हम चलते हैं बेसिकली योगेश को भी नहीं बुलाया था अच्छा तुझे भी नहीं बुलाया था पता नहीं अनदर डे सेम व्लॉग सो गाइस कल पार्टी वार्टी करने के बाद भाई सो गए थे देन उसके बाद डाइट अभी मैं आ रहा हूँ इन्फिनिटी मॉल में बिकॉज मेरे को काफ़ी टाइम से हेयर कट कराना था मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था बट फिर मेरा आज जो है रिहर्सल 4 बजे का है तो मेरे पास अभी टाइम है 12 बज रहे हैं तो तब तक मैं सोच रहा था कि हेयर कटिंग करा लेता हूँ फिर देन उस पर चलें क्योंकि मम्मी भी बोल रही थी काफ़ी लंबे हो गए तो मैंने बोला चलो ठीक है भाई तो हेयर कट करा के मैं आ चुका हूँ सो ये वाला जो व्लॉग है इतना ही रखते हैं होप करते हैं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया अगर पसंद आया तो आपको पता है क्या करने का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय